आगे बात करते हैं उस शून्य पारे की जिससे सभी लोग परेशान हैं। बात कड़ाके की ठंड की करेंगे क्योंकि घाटी में शीतलहर से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और श्रीनगर में रात का पारा शून्य से नीचे पहुंच रहा है। लेह में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लद्दाख और कश्मीर में पर्यटकों की भरमार देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको ताजी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं क्योंकि अगर लेह की बात करते हैं तो लेह में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और श्रीनगर में रात का पारा शून्य से नीचे पहुंच रहा है। घाटी में शीतलहर से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिकों की तो मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि दिसंबर के आते आते और कड़ाके की ठंड पड़ेगी और जनवरी में ठंड और पड़ना तय है। हालांकि बर्फबारी की तस्वीर पिछले दिनों देखने को मिली जिससे कहीं ना कहीं पर्यटक जम्मू कश्मीर की ओर आकर्षित हुए, लेकिन आम लोगों के लिए काफी दिक्कत इस वक्त पैदा हो रही है क्योंकि शीतलहर चल रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलाव का सहारा, कांगड़ी का सहारा लोग ले रहे हैं, जो कि गुलिस्तान न्यूज समय समय पर आपको तस्वीरें श्रीनगर की हो या फिर जम्मू की हो दिखा रहा है क्योंकि जम्मू में भी शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। हालांकि इस वक्त की ताजी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा ही मौसम आपको देखने को मिल सकता है और ये हम नहीं, ये मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने मैदानी इलाकों के लिए कड़ाके की ठंड की बात कही है, पहाड़ी इलाकों के लिए बर्फबारी की बात कही है। बात जम्मू कश्मीर की करें, बात उत्तराखंड की करें या फिर बात हिमाचल प्रदेश की करें, तीनों जगह पर कहा जा रहा है कि बर्फबारी हो सकती है। फैजल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फैजल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कांगड़ी को लेकर तो आप जानकारी दे ही रहे थे कि कितनी डिमांड बढ़ गई है, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए क्या वाकई दिक्कतों का सामना हम कह सकते हैं कि वो कर रहे हैं? क्योंकि हर सर्दी में हम देखते हैं जब बर्फबारी होती है या शीतलहर पड़ती है तो बिजली की दिक्कत हो जाती है, लकड़ियों की काफी दिक्कत होती है। आम जनता की कैसी परेशानियां हैं? क्योंकि पर्यटकों को लेकर तो कल आप जानकारी दे रहे थे कि होटल सारे बुक हैं और पर्यटक काफी तादाद में आ रहे हैं। आम जनता किस तरीके से परेशान है या फिर परेशानी नहीं है? देखिए हरीच, अगर हम बात विंटर्स की करें तो लगातार देखा जा रहा है कि जैसे विंटर्स आते हैं लोग प्रेपरेशन करते रहते हैं और उसका जो मानना होता है कि सर्दी जो हमेशा यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो जिस तरीके से आपने पहले कहा कि आज की टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो रात का जो तापमान है वो 0.4 तक गिर गया था और जो कि पहली बार ऐसा आज इस साल देखने को मिला कि इतना जो जीरो टेम्परेचर हो गया था। और सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर कम हुआ था वो पहलगाम में हुआ था। और आपने जिस तरह से बताया कि जो टूरिस्ट है वो इस वक्त यहाँ पे आ रहे, जो कल भी हम बता रहे थे किस तरीके से टूरिस्ट आ रहे विंटर्स का विंटर्स मजा लेने के, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों की बात करें तो वो अभी भी तैयार नहीं है विंटर्स के लिए क्योंकि अभी भी तैयारियां बाकी है। लेकिन जिस तरीके से दिन ब दिन सर्दी में जो इजाफा देखने को मिल रहा है, रात का तापमान जो लगातार गिर रहा है, लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की है क्योंकि जहां पर हमने कांगड़ियों की बात की अभी तक मार्केट में कांगड़ियां नहीं आई है। हालांकि कुछ कुछ जगहों में मार्केट में आ गई है, लेकिन आमतौर पर जिस तरीके से पहले आया करती थी कांगड़ियां लोग खरीदते थे या हीटिंग अप्लायंसेस खरीदते थे, अभी भी लोग कहीं ना कहीं इसमें अभी अभी लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी भी जो यहाँ हारिश विंटर आने वाले हैं 40 दिनों का जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है उससे पहले पहले तैयारियां खत्म मुकम्मल हो जाती है, लेकिन अभी भी एक महीना है चले कलान को, जबकि उन दिनों बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है, सारा पानी जो जम जाता है, नलके जम जाते हैं, रात का तापमान भी जीरो से भी नीचे चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल ही सर्दियों आज रात ही देखा गया कि जो सर्दी है वो 0.4 पे चला गया, तो कहीं ना कहीं लोग भी परेशानी। ऊपर से आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, इलेक्ट्रिसिटी का तो मसला पहले से ही चल रहा था क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कैपेसिटी कम है। तो कुल मिला के अगर हम कहें लोग अभी भी प्रिपेयर नहीं है विंटर्स के लिए क्योंकि पहले ही सर्दी आनी और इलेक्ट्रिसिटी जाना और बाकी जो जरूरियात होती है विंटर्स में वो अभी तक लोगों ने नहीं लिए। तो कुल मिला के अगर हम कहें आज के डेट में प्रेजेंट सिचुएशन में अचानक से इतना तापमान गिरना कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अभी भी लोग रेडी नहीं है। अगर हम बात करें इस वक्त की स्थिति की, क्योंकि अभी से अगर शून्य में पारा पहुंच रहा है तो आगे आने वाले समय कैसा होगा ये सब जानते हैं। मौसम वैज्ञानिकों से जब हमारी बातचीत हुई है तो वो कह रहे हैं कि दिसंबर में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उसके बाद जनवरी में हम देखेंगे कि और ज्यादा सर्दी होगी। अगर मैं बात करूं आम लोगों की, आम लोग किस तरीके से परेशान रहते हैं या फिर प्रशासन की तरफ से उनकी परेशानी का हल निकाला जाता है वो तस्वीर भी हम देखते हैं, लेकिन क्या प्रशासन के नुमाइंदे भी सर्दियों से निपटने के लिए तैयार हैं? जिस तरीके से आम जनता को दिक्कतें होती है, क्योंकि हम प्रशासन को देख रहे हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिक्कतें लोगों को नहीं आएंगी, अभी तो विंटर्स की शुरुआत हुई है। फैसल
देखिए, जहां तक आपने दिक्कतों की बात की या प्रशासन की बात की, तो प्रशासन ने मीटिंग तो बहुत सारी ली, एसएमसी की बात हो या बाकी डिविजन लेवल की जो मीटिंग वो तो हुई, लेकिन अगर हम मीटिंग्स की बात करें, मीटिंग्स के बाद जो स्टेटमेंट आते हैं वो उसके वहां तक महदूद रहते हैं कि हमने स्नो कैप्स लाई बर्फ हटाने के लिए, वो मशीनें लाई जो बर्फ हटाएगी, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम विंटर्स में होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही कंटेनमेंट प्लान जो है कंटेनमेंट शेड्यूल जो है वो इशू किया गया है। अभी विंटर्स पूरी तरह से नहीं आए हैं, अभी बस विंटर्स ने 10 तक दिए, लेकिन आज से और कंटेनमेंट शुरू हो गए। और जिस तरह से आपने कहा कि क्या कुछ दिक्कतें रहती है, जो मेन दिक्कत है वो इलेक्ट्रिसिटी की रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है विंटर्स के दौरान। हीटिंग अप्लायंस की बात करो, गर्म पानी की बात करो, या बाकी स्कूल की बात करें या बाकी ट्यूशन सेंटर की बात करें, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ताकि जो गर्मी है वो हासिल कर सके। लेकिन जो पहले ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बंद किया गया, उसके लिए कंटेनमेंट प्लान शुरू किए गए। और इससे बड़ा मसला रहता है कि जो बर्फ हटाने का काम है एसएमसी के हदूद में जो इलाके आते हैं उनके तो बर्फ टाइम पे हटता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अभी दिसंबर 21 आने वाला, उसके बाद 40 दिन के लिए बहुत ही खतरनाक ठंड रहती है, उसी के दौरान बर्फ भी पड़ती है, लेकिन जो गांव देहात के इलाके होते हैं उनके लिए उस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं रखी गई है, रखी जा रही, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, या बाकी अगर बर्फ हटाने का काम हो, वो टाइम पे वहां पे नहीं होता है। तो ये दिक्कतें जो है गाँव के लोगों को जरूर होती है। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी जब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि एसएमसी भी पूरी तरीके से अपना काम चल रही है। उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। पर्यटकों की जब हम कल बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि पर्यटकों के लिए होटल्स पूरी तरीके से बुक हैं, इस वक्त क्या स्थिति है, आज आप कैसी तस्वीर देख रहे हैं पर्यटकों के लिहाज से? आपको आवाज मिल रही है फैसल? जी, फैजल, पर्यटकों को लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है? कल जो आप जानकारी दे रहे थे उसमें हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि दिसंबर तक होटल्स बुक हो गए हैं। अभी पर्यटकों से आपकी बातचीत हो रही है, तो पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं इस वक्त मौसम में? देखिए, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खुशी, जिस तरह से हम कल कह रहे थे जो होटल ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म के हवाले से, हाउस बोट ओनर से शिकारा वाले है या बाकी जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अभी विंटर्स शुरू ही हुए हैं और रश आज भी देखने को मिला है। और कुल मिला के अगर हम कहें जो भी टूरिस्ट स्टेक होल्डर है वो आज खुश है। जिस तरह से हमने कल ही बताया था कि जो समर में टूरिस्ट सीजन रहा, एक बेहतरीन सीजन रहा 2 सालों के बाद, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो विंटर होगा वो भी एक अच्छा होगा, जैसे बर्फबारी हो सके उस दौरान भी जो है काफी ज्यादा रश टूरिस्ट का बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से समर का हमने फुटफॉल देखा, तो उम्मीद ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी इनिशिएटिव है कि करीबन जो विंटर है उसमें भी एक अच्छा खासा टूरिस्ट बज होगा और अच्छी खासी तादाद में जो है टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं। ठीक है फैजल, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।